अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मोमो ड्रेस डिज़ाइनिंग। पहले भी मैं आपको इस चीज़ पे वीडियो दे चुकी हूँ कि हम जेनोम 8200 में जो है ये मेमोरी कार्ड और इसके साथ जो है कि इसके सारे डिज़ाइनिंग है, इसको हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। ठीक है, इस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आज की जो वीडियो है वो इस चीज़ के मुतालिक है कि हम फर्स्ट 2, 3, 4 के बाद जो हम नेक्स्ट डिज़ाइन है उस पर हम किस तरीके से उसको फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है, ये अब हमारे पास यहाँ पर काफ़ी सारे डिज़ाइन हैं, तो ये लास्ट वाले डिज़ाइन तक हम किस तरीके से आते हैं। तो हम पहले अपने इस कार्ड को इंसर्ट करते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसमें किस तरीके से इस डिज़ाइन को फॉरवर्ड करना है और अगले डिज़ाइन तक हमने पहुँचना है। ये देखिए, ये मेरे पास मशीन है और ये जो कार्ड है उसके अंदर ये हम अपना इंसर्ट करते हैं। जब हम इंसर्ट करेंगे तो ये नीचे वाला बटन जो होगा वो जब ये कार्ड लग जाएगा तो ये बाहर आ जाएगा। ये देखें, ठीक है, इट मीन्स कि हमारा कार्ड जो है वो लग चुका है। अब हमने इस कॉर्नर वाले बटन पे हमने प्रेस करना है। ठीक है, इस कॉर्नर के बटन पे जब हम प्रेस करेंगे तो ये देखिए, ये स्क्रीन जो है मेरे पास सारे डिज़ाइन शो कर रही है। ये देखिए, यहाँ तक कि ये सारे डिज़ाइन शो कर रही है। अब जब मैंने आगे इससे अगले वाला कोई डिज़ाइन सिलेक्ट करना है, यहाँ पर या कोई सा भी आगे मैं सिलेक्ट करूँगी, तो उसके लिए अब मेरे पास यहाँ पर कोई ऐसा बटन नहीं है जो इसको फॉरवर्ड करेगा। तो इसके लिए मुझे पहले मशीन को एक बार ऑफ़ करना पड़ेगा। ठीक है, ऑफ़ करके हम दोबारा इसको ऑन करेंगे, फिर अगेन इसी जो मेमोरी कार्ड के हमारे पास डिज़ाइन निकालने का ये वाला बटन है, इधर आएंगे। ये देखिए, अब यहाँ पर न्यू डिज़ाइन स्क्रीन पर आ चुके हैं। ये देखें, ये वाला डिज़ाइन आगे शो हो रहा है। ठीक है, अब सेम इसी तरह मैंने अगले डिज़ाइन पर आना है। ये मेरे पास यहाँ तक ख़त्म हो गए हैं। अब अगला नेक्स्ट डिज़ाइन, मैंने ये वाले जो डिज़ाइन हैं इनको अगर मैंने सिलेक्ट करना है, उसके लिए मैं अगेन मशीन को ऑफ़ करूँगी, फिर ऑन करूँगी और फिर इसी बटन को प्रेस करूँगी। ये देखिए, उससे नेक्स्ट डिज़ाइन जो मेरे पास ये वाले हैं ये यहाँ पर डिस्प्ले पर आ चुके हैं। ठीक है, कि आपने किसी ने पूछा था मुझे कमेंट में, तो मैंने कहा इसको डिटेल में बता दूं। आई होप आपको अच्छे से इस बात की समझ आ गई होगी कि अगर आपने आगे वाले डिज़ाइन फिर जाना है, जितनी बार आपको आगे नेक्स्ट डिज़ाइन करना होगा आपको उतनी बार मशीन को ऑफ करके दोबारा ऑन करना है और देन आपको इस कॉर्नर वाले बटन को प्रेस करना है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को मज़ीद इसमें किसी किस्म की कहीं पे कोई परेशानी हो जाए तो आप नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।